कहाँ से आए थे वो देख रहे हैं। ये देखें ये जेलें जो है किस तरह कंजेस्टेड है पूरा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यजदान। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं जुबैर रियाज भाई की वीडियो के ऊपर। उनसे हमने मुलाकात भी की थी मदीना में, बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी वीडियोस भी बहुत इंफॉर्मेटिव होती है और उन्हें नॉलेज तो भाई साहब अलग लेवल की है। तो वो गए थे इजिप्ट और ये वीडियो में वो हमें बता रही हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल के बारे में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज की वीडियो में जो है हम आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह किस जेल में कैद में रखा गया था उसकी वीडियो अंदर से दिखाएंगे इंशाअल्लाह, जो कि मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था देखना। यकीन करें आज की वीडियो जो है ना ये पूरे मेरे यूट्यूब सफ़र की हैरान कुन वीडियो है। बहुत सी जज्बात भी आपके जो है चेंज होने वाले हैं और आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो से मिलने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़, मदीना मुनव्वरा से मौजूद हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इलाकों में, मिस्र में, इजिप्ट में, बाज़ार मिस्र जहाँ पर उनको बेचा गया था, उन्हीं के आस पास किसी इलाके में मौजूद हूँ। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उदखुलु मिस्र इंशाअल्लाह आमिनीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ही कहा था अपने वालदैन को जब उनके वालदैन जो है फ़लस्तीन से हिजरत करके मिस्र तशरीफ़ लाए थे। तो आज जहाँ पे हम मौजूद हैं, जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुछ जवानी का अरसा गुजरा था और जहाँ पे उन्होंने कैद गुजारी थी, इससे पहले हमने आपको यहाँ की तफसीलात दिखाई हुई हैं 1.5-2 साल पहले। लेकिन आज जो है कुछ अरसा पहले एक जो नीचे 4 किलोमीटर लंबी जो है इनको एक सुरंग मिली है जिसमें कुछ कब्रें भी हैं, उसमें जहाँ पर कैदियों को भी कैद किया जाता था। तो जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद थी वो आज भी हम आपको दिखाएँगे और नीचे भी इंटर होके जो है आपको दिखाएंगे और सारी जो है तफसील बताएंगे इंशाल्लाह मेरे साथ। तो हम इंटर जो है वहीं से होंगे जहां से किंग जुसर, जिसने सबसे पहला जो अहराम है मिस्र शुरुआत जो थी 5000 साल पहले, सबसे पहले ये वाला बना था, उसकी जो किंग साहब थे उनकी एंट्री जो है यहाँ से होती थी अपने जो है हरम वगैरह पे जाने के लिए। हरम मतलब जो पैरामिड है उसकी तरफ जाने के लिए, और साथ ही जहाँ पे उसकी राया उसके सामने बैठती थी, जहाँ पे राया के ऊपर वो हुक्म किया करता था, जहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह होते थे उनकी एंट्री जो है यहाँ से होती थी। तो ये जो है एंट्री है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं किंग साहब जो है यहाँ से जैसे अंदर दाखिल होते थे, यहाँ पे सारे जो है गार्ड ही गार्ड होते थे हर तरफ से। ये जो आप देख रहे हैं इधर जो है लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ जो है गार्ड खड़े होते थे। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पे बाकी भी लोग आए हुए हैं, इसको एज आ शीशा जो है इस्तेमाल करते थे, मतलब एज आ मिरर जो है अपनी शक्ल देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि रिफ़्लेक्ट हो रही है जो बच्चियाँ खड़ी हैं वहाँ पे उनकी शक्लें और उनकी जो जो भी चीज़ है आती है सेंटर में वो रिफ़्लेक्ट होती है इन दोनों दीवारों के ऊपर। तो किंग साहब जैसे अंदर दाखिल होते थे एक ये चीज़ भी देखते थे। उसके बाद आगे आप चलते चलें तो ये जो है एक मेन जो है गार्ड ऑफ आनर पेश किया जाता था किंग को यहाँ पे। तो आज जिस चीज़ के लिए आज जो है मैं बहुत ज़्यादा मेरी तजस्स है वो यही है कि मैं देखना चाहता हूँ किस तरह अंडरग्राउंड जो है इतनी बड़ी तादाद में इतनी लंबी जो है सुरंगें और इतनी लंबी जो है वो चीज़ें खोदी हुई थी। हमारे साथ भी हैं उस्ताद अहमद जो कि एज़ यूजुअल जो है हमारी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। अशकुरक हबीबी अला इताहत अल-फुरसा वल-वक्त। जैसे ही आप आते हैं निकलते हैं, ये देखें यहाँ पर किंग जुसर साहब जो है उनका पैरामिड है इस तरफ, ये आप देख सकते हैं ठीक है। उस तरफ जो है नीचे कब्रें हैं जो कि मैंने आपको पिछली दफ़ा भी दिखाई थी। मेरी गुजारिश है कि आप जो दूसरी वीडियो है ना मैंने जो 1.5 साल पहले बनाई थी उसको लाजिम देखें, क्योंकि उससे जो है और इन दोनों वीडियोस को देख के फिर आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आज हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे उन चीज़ों को जो है कवर करें जो हमने पहले कवर नहीं की थी, जो अभी दरियाफ्त हुए उनको कवर करें। यहाँ पर इस तरफ जो है आप वो जगह देख रहे हैं जहाँ से हम इंटर होंगे और नीचे से जो है सारा रास्ता जा रहा है वहाँ अहराम में मिस्र के अंदर तक। तो आइए नीचे चलते हैं, मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आप सबके साथ ही करते हैं। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे कब्रें हैं उनसे हम अंदर दाखिल होंगे। आइए देखते हैं किस किस्म का माहौल है। बिस्मिल्लाह। रात को तो ये सब बंद होगा ना। आप अंदाज़ा करें कि कितना हमें जो है नीचे जाना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं ये सारा रास्ता जो है अंदर नीचे जो है जेल भी इसी किस्म की हुआ करती थी जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद किया गया था और नीचे इनकी कब्रें भी जो हैं वो इसी तरह ही हैं। लहनाक यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो आसार आप देख रहे हैं ना इनकी खुदाई जो चल रही है कि किस तरह जो है नीचे से ज़मीन से चीज़ें निकल रही हैं, ये सारी जो है एक कैपिटल था उनका उसी ज़माने का, ये जो
फिफ्थ फैमिली थी उसके ज़माने का। जो ज़ुसर है इस तरफ, ये जो ज़ुसर फैमिली थी ये है थर्ड फैमिली से इनका ताल्लुक है, ठीक है। सबसे पहला हरम इन्होंने बनाया था, फिर उसके बाद जो किंग खोफो का जो हरम आपने देखा है सबसे बड़ा जो है पूरी दुनिया में, उसके बाप ने ये वाला हरम बनाया था सनेफरो ने। यहाँ पे ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे फिफ्थ फैमिली जो फ़िरौन की 21 फैमिलियाँ गुजरी हैं, जो जिनको पैरो कहते थे, जिनको फ़िरौन कहते थे, उनमें से ये फिफ्थ फैमिली का सारा कैपिटल है ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भी एक पिरामिड है, लेकिन आप देखें किस तरह भी आसार की जब खुदाई होती है तो नीचे से ये मिल रहे हैं, मतलब ज़माने के अरसे के बाद 4000 साल 5000 साल के बाद। दूर से देखेंगे आप कहेंगे मिट्टी का टीला है, तो इसमें जो है हमने कोई भी इसको नहीं समझेगा कि इसके नीचे जो है एक पिरामिड बना हुआ है, और यहाँ नीचे से उनको रास्ता भी ऑलरेडी मिल चुका है, ये आप देख रहे हैं। और इस तरफ नीचे देखें आप कितना नीचे जो है हमने अंदर जाना है, तो अभी हम जाने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाह। इस वक्त मैं दाखिल हो रहा हूँ जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को क़ैद किया गया था, नीचे जिस जगह पे क़ैद किया गया था वहाँ तक। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, लास्ट टाइम हम आए थे तो ये जगह बंद थी, इन्होंने कहा था कि हम नहीं खोलेंगे, लेकिन आज जो है मैं ख़ुसूसी तौर पर यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये जगह जो है विज़िट कर सकूँ। अब आप देखें कि मैं ऊपर से कितना ऊपर से जो है नीचे आ रहा हूँ, मज़ीद जो और है नीचे जाना है। नीचे चल रहे हैं, इस तरफ आप देखते जाएँ। सुभान अल्लाह, रात को इधर कोई बंद होता होगा, बड़ा ही जो है ताज्जुब है। ये देखिए आप मज़ीद जो है हम नीचे चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ पे ये देखें कैद खाने किस तरह हुआ करते थे, ये आप देखें इस तरफ। आप ऊपर से उतरे हैं, हम आपको थोड़ा फिर से विज़िट करा देता हूँ, प्लीज़ वो देखें हम कहाँ से आए थे, वो देख रहे हैं। ये देखें ये जेलें जो है किस तरह कंजेस्टेड है पूरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप। अच्छा यहाँ पे अभी बना है, ये खुला नहीं है, हम इससे पहले कि कोई आ जाए हम निकल ही आते हैं आज, क्योंकि अभी तक यहाँ पे अंदर आप देख रहे हैं काम हो रहा है, तो इसलिए मना है अंदर जाना। दरवाज़ा बंद था, हमने वैसे खोल लिया, चलें बाई चांस। इस किस्म की जेल हुआ करती थी, और फिक्स जेल कहाँ थी वो भी हम आपको आगे जा के दिखाएँगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी। ये देख रहे हैं आप ये सारे, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। ये देखें हम मज़ीद नीचे जा रहे हैं, हुआ तकरीबन कमल मसाफत तहत। ये आप देखते जाएं यार, अल्लाहु अकबर अक्सर। ये देखें यहाँ पे किस तरह ये सारा बना हुआ है, ये देखें आप इस तरफ, एक बहुत ही काबिल ताज्जुब। मैं ये सोच रहा हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतनी तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नीचे मज़ीद जो है आप मज़ीद नीचे चलते जाएं, चलते जाएं। ये देख रहे हैं आप, अल्लाहु अकबर। ये मज़ीद जो है इन्होंने इस तरह की सीढ़ियां लगा के जो है उसको नीचे लेके जा रहे हैं। ये देखें आप, अल्लाहु अकबर। ये नीचे जो है कितने बड़े बड़े पत्थर जो है रखे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले जो है कुएं में फेंके गए, फिर उसके बाद जो है जेल में फेंके गए, कि एक नाकर्दा गुनाह की वजह से, कोई गुनाह नहीं किया था उन्होंने, दोनों दफ़ा ऐसा हुआ, फिर भी उन्होंने सब्र और शुक्र किया। अल्लाहु अकबर। हत्ता कि जब उनको दोबारा जो है जुलेखा ने कहा ना कि ये जब तक के मेरे साथ बदफैली नहीं करेंगे तो ये जेल में ही सड़ते रहेंगे, तो उन्होंने कहा काला रब्बी अस्सिजन अहब्बु इलैया मिम्मा यदउनानी इलैहि, या अल्लाह मेरे लिए जो है जेल जो है ज़्यादा पसंदीदा है बजाय इसके कि जिस काम के लिए मुझे बुला रहे हैं मैं वो काम इनके साथ करूं। अंदाज़ा कर सकते हैं कितना ऊंचा है। अल्लाहु अकबर भाई, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। अब यहाँ से जो रास्ता जा रहा है आप देखें कितने फ्लोर बने हुए हैं यार ज़मीन के नीचे, ये देखें खुदाई कैसे की होगी, इतना रास्ता जा रहा है, ताला लगा हुआ है। ऊपर एक और फ्लोर है, ऊपर जैसे हम आए थे वहाँ से, वहाँ पर एक और फ्लोर है। ये देख रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर कहा था, ये रास्ता अब जा रहा है जो पिरामिड बना हुआ है उस तक जा रहा है। यार किस किस्म के लोग थे, तो यहाँ पे जो है कुछ जगहों पे इन्होंने मुर्दे दफन किए हुए थे, कुछ जगहों पे जो है कैदियों को कैद किया हुआ था, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को। बिल्कुल इसी इलाके में है पीछे उस तरफ, अभी लेके जाऊँगा मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पर। वो जगह ऊपर से बंद किए हुए है, एंट्री उसके अंदर आप नहीं जा सकते क्योंकि लोग आते थे बरकत वगैरह इसकी वजह से, तो इन लोगों ने बंद कर दिया है। वल्लाहु आलम कि क्यों बंद कर दिया, बहरहाल यही वजूहत पेश की गई कि इसलिए बंद किया गया, ठीक है। तो अब चलते हैं उस तरफ और आपको वहाँ पर दिखाते हैं, हम वापस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ,
यकीन करें या ना करें, मेरे जो गुस्से हैं ना वो आपस में मतलब लड़क रहे हैं इस तरह का। ये ऊंचाई है उसका डर नहीं है, यकीन करें कि मैं अपने जज्बात को मैंने बहुत काबू किया हुआ है। मैं जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ ना वो मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकता। ये बड़े बड़े पत्थर पता नहीं कैसे लाए गए थे यहाँ पे, तो ये जो है आप देख रहे हैं सारे आसार जहाँ पे कैद हुए थे। यहाँ पे देखें बहुत ही बारीक बीनी से काम हुआ है ताकि इसकी हिफाजत हो सके इन आसार की। यहाँ पे इन्होंने किस तरह जो है इसको एक जॉइंट किया हुआ है ताकि गिरने से बचा सकें। इतना आसानी से गिरने वाला नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक टेक्निक इन्होंने यहाँ पे यूज़ की हुई है, मुझे नज़र आई तो मैंने कहा आपको दिखाता हूँ। अब आइए मैं ऊपर चलता हूँ। ये अब तो इन्होंने सीढ़ियाँ बना दी है ना, उस ज़माने में पता नहीं कैदियों को कैसे जो है ऊपर से ऐसे फेंका करते थे। अल्लाह आलम। ये भाई सारे गवाही दे रहे हैं यहाँ पे जुर्म की जो दस्ताने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुई थी। लेकिन जो हक है ना वो एक दिन ज़ाहिर होता है। उन्होंने जेल काटी, कितने साल काटी, उसके बाद जो है अल्लाह पाक ने उनको यहाँ का हाकिम बना के जेल से निकाला। सुभानअल्लाह। आई साद अहमद, शुक्रन हबीबी। ये देखें ना लाल पीला हो गया है, हमारी सपोर्ट कर रहा था। बहुत मिले जुले तासरात हैं मेरे, सीधी सी बात है। और एक और चीज़, जुसर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने का किंग नहीं था, ठीक है, मतलब उससे पहले जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले ये चीज़ें यहाँ पे बन चुकी थी। ये जो नीचे हम गुजरे हैं ना सारा 75 मीटर हम नीचे गए हैं इस तरह टनल के अंदर से जो बनी हुई थी पहाड़ के नीचे। जो ऊपर अगर ज़मीन से आप नीचे एकदम जेल की तरफ जाते हैं वो है 28 मीटर्स। अब हम इस तरफ जा रहे हैं। ये जो टीले आपको नज़र आ रहे हैं इसके पीछे बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर और दूर थोड़ा और दूर और भी दूर जाए वहाँ पे जो है गीज़ा के पैरामिड्स हैं, जो कि खोफो एंड खफरा एंड कवारे मिन कवारे उसके हैं। यहाँ पे जो व्यू है सामने जो है सहूरा के हैं, ये जो है किंग जुसर का है, ठीक है। और यहाँ पे जो है उस तरफ इसके पीछे जो है जेल है यूसुफ अलैहिस्सलाम के, नीचे से रास्ता जाता है लेकिन उन्होंने बंद किया हुआ है सिक्योरिटी सेफ्टी की वजह से। हम अभी अंदर जाएंगे आपको दिखाएंगे। और ये जो है जो फिफ्थ फैमिली थी फिरौनों की उसका ये कैपिटल था, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आम अहमद और उस्ताद अहमद और हत्ता ना ज़ुबैर अहमद, माशाल्लाह तबारक रहमान 54 ईयर हो गए इस बाबे को यहाँ पे काम करते हुए। इस वक्त जो है हम जुसर का जो पिरामिड है उसके नीचे जा रहे हैं आपको सारा ये माहौल दिखाने के लिए कि किस तरह जो है उस ज़माने में जेल भी हुआ करती थी और जो बाकी आसार थे। ये देखें अल्लाह अकबर, ये देख रहे हैं आप, ये वही है ये जो है हम इस वक्त अंदर आ चुके हैं जुसर के पिरामिड के अंदर है। ऊपर पिरामिड आपने देखा है, अभी उसके नीचे के मनाजर आप देख रहे हैं इस वक्त। ये सारा माहौल देखें और आगे जो है इसकी कब्र जो है कैसे अंदर मौजूद है वो भी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखें आप भाई कितना नीचे जो है ये जुसर का जो है ताबूत है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं अल्लाह के बंदे ये कम से कम जो है ना 150-200 मीटर नीचे है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म के ये मेमार थे उस ज़माने में। ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर की तरफ है पिरामिड के अंदर से और ये जो है उसके अंदर से, ये आप माहौल देख सकते हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये देख रहे हैं आप, इजिप्ट जो है मैं कई मरतबा आया हूँ, यकीन करें कि मैं हर दफ़ा जो है ना एक ही जगह पे जाके एक नई चीज़ देखने को मुझे मिलती है। लास्ट टाइम ये बंद था वो भी बंद है, लेकिन मेरे जो है ना यहाँ पे 14 नहीं 28 तबक जो है वो रोशन हो चुके हैं ये जो अजीम मेमार देख के। ये आप देखें ना यार क्या चीज़ बनाई है इन लोगों ने, यार ये आप देखें इन्होंने जो पिलर बनाए हैं यहाँ पे, ये आप ये क्या कमाल किया इन्होंने। एक मिनट तो फिर मैं देखना चाहता हूँ, आप भी साथ आए दोबारा से देखें यार, ये आज से 5000 साल पहले की बात हो रही है कि किस तरह ये चीज़ बनाई गई यार। أول مرة تشوف صح؟ وانتهينا من ساكن جنبهم. بس استاذ احمد جو ہے 30 سال جا یہاں پہ بدرشین میں ہی رہتے ہیں اور یہ چیز دیکھے ايش شعورك بعد ما شفتها؟ فخامة
شيء شيء يا اخي أنا شو ما تتوقعه سبحان الله شوف ازاي عملوا شوف العظمه شوف الجمال نيچه جو ہے نا وہ دیکھیں نیچے جو ہے اور راستہ بھی جا رہا ہے وہ دیکھیں مزید نیچے جا رہا ہے اس وقت ہم نکل رہے ہیں بالکل آپ کو وہی نقشہ دکھایا گیا یہاں پہ کہ کس طرح جو ہے انڈر گراؤنڈ یہاں پہ کام ہوتا تھا سب جگہ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی جیل بھی انڈر گراؤنڈ تھی ساتھ ہی ابھی آپ کو لے کے جاتے ہیں اس جگہ پہ بھی لیکن وہاں پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے جو ہے بند کیا ہوا ہے آپ اندر جو ہے وہاں پہ نہیں جا سکتے لیکن بالکل سارا جو ہے وہی اسٹرکچر ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو بنایا ہوا تھا میں نے زندگی میں اس سے کمال چیز کبھی نہیں دیکھی جو آج میں دیکھ کے آ رہا ہوں دس واز مائی لائف ٹائم ایکسپیرئنس جو تھا نا کسی چیز کو دیکھ کے یا سلام دل سے بولنے کا دس واز واقعی تھا جب وہاں پہ ہم گئے تھے پہلے وہاں پہ جذبات میرے بالکل کنٹرول میں نہیں تھے لیکن یہ جو زوسر ہے جس کا تابوت ابھی بھی نیچے موجود ہے مومیا اس سے نکال کے لے کے جا چکے ہیں اٹ واز سم تھنگ ویری 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 امیزنگ تو یہ سارا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو تھرڈ فیملی تھی فرعونوں کی ان کے علاقے جہاں پہ وہ رول کیا کرتے تھے اور یوسف علیہ السلام کی جو جیل ہے وہ اس کے پیچھے اس طرف ہے ابھی ہم وہاں پہ آپ کو لے کے جائیں گے وہ جگہ دکھائیں گے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو دکھائی تھی باقی جو زسر کے حوالے سے ساری تاریخ ہے وہ آلریڈی میں نے کور کی ہوئی ہے اپنی ایک سال پہلے کی ویڈیو میں اس میں جو ہے آپ جا کے ضرور دیکھیں اس میں جو ہے ہم نے آپ کو اس کا جو تاج تھا اس کا جو عرش تھا وہ بھی دکھایا ہے فل ڈیٹیل دی ہے وہ آپ پلیز ضرور جا کے دیکھیں بہت کچھ فائدہ ہوگا اس میں ہم یوسف علیہ السلام کی جیل کا اوپر سے جو ہے مناظرہ کیا تھا آج جو ہے ہم نے آپ کو جیل کے اندر کس طرح اس زمانے کی جیل تھی وہ سب سے پہلے دکھائی تھی اس کے علاوہ جو زسر کے جو پیرامڈ ہے اس کے نیچے جو ہے کیا ماحول ہے وہ دکھایا تھا اب جو ہے یہاں پہ پانی کی پیاس جو ہے وہ بہت آ چکی ہے تو پانی لیتے ہیں یہاں سے یہاں پہ ہم نے بہت کوشش کی ہے یوسف علیہ السلام کی جو جیل تھی اس کی طرف جانے کے لیے احمد صاحب جو ہے ہمارے لیے ایک خاص پرمیشن بھی لے کے آئے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سامنے جو ہے آثار کی جو ہے کھدائی ہو رہی ہے وہی جیل کے ایریا میں تو اسی لیے جو ہے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں داخلیہ والے سختی سے منع کر رہے ہیں کہ یار یہ جو پرمیشن ہے اور ٹھیک ہے سر آنکھوں پہ لیکن اس طرح جو ہے آثار کی وجہ سے ہم نہیں جانے دے سکتے کیونکہ کچھ بھی اگر تھوڑا سا بھی خراب ہوتا ہے تو بہت بڑا جو ہے تاریخی نقصان ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے صرف جو کام کر رہے ہیں وہ جا رہے ہیں ہمیں جو ہے جانے کی اجازت نہیں ملی لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے بیٹھے ہیں یہ جو یہاں کے ذمہ دار ہیں یہ جو میرے پیچھے اس طرف کھڑے ہیں یہ جو ہے بڑے صاحب ہیں جو کہ کال پر بھی آگے پیچھے پوچھ رہے ہیں لیکن اجازت نہیں ملی تو میرا دل بہت تھا لیکن کچھ نہیں کر سکتے کیا ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ جو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ سو گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی کاریگری ہوتی تھی اس زمانے میں 4000 یا 5000 سال پہلے کس طرح سے وہ اتنی زیادہ ڈیپ کھدائی کرتے تھے اور اوپر سے ان کے پتھر بھی اتنے موٹے موٹے ہوتے تھے آپ سوچئے کہ وہ اتنے بڑے بڑے پتھر اتنے ہیوی پتھر وہ نیچے کیسے اتارتے ہوں گے اتنی زیادہ ڈیپ اور وہ کس طرح سے وہ پورا اندر سے ٹنل بناتے ہوں گے جس طرح سے ابھی وہ دکھا رہے تھے کہ وہ پلرز بنائے ہوئے تھے پیرامڈ کے اندر تو ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت انٹرسٹنگ ولاگ تھا یہ سیریسلی میرا بھی بہت من ہے انشاءاللہ میں بھی وہاں پہ ضرور جاؤں گا ایجپٹ میں ایک بار مصر کا دورہ بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا ان کا اور ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا جزاک اللہ خیر فی امان اللہ